स्वागत है, मैं हूँ प्रिया हिर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन में है। मोदी सरकार कनाडा को लेकर सख्त नजर आ रही है। अब 3 दिनों में मोदी सरकार ने तीसरा एक्शन लिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक BLS इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने भारतीय मिशन की ओर जारी नोटिस के हवाले से कहा कि कनाडा में भारतीय वीजा से संबंधित सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। कनाडा में भारत के लिए वीजा BLS इंडिया ही प्रदान करता है। नोटिस में आगे कहा गया है कि ऑपरेशनल कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित किया जाता है। आगे के अपडेट के लिए BLS इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। पिछले 3 दिन में ये तीसरी बार है जब भारत ने कनाडा पर सख्त एक्शन लिया है। सबसे पहले मोदी सरकार ने कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित किया और 5 दिन के अंदर कनाडा वापस जाने का आदेश दिया था। उसके बाद जब मंगलवार को कनाडा सरकार ने भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उच्च स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया था, तो इसके जवाब में मोदी सरकार ने करारा प्रहार करते हुए कनाडा में रह रहे या जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी और अब वीजा सेवाओं को निलंबित किया गया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार की संलिप्तता पर सवाल उठाते हुए कहा था। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी। इस दौरान मैंने उन्हें कहा था कि हत्याकांड की जांच में भारत सरकार की कोई भी संलिप्तता अस्वीकार्य होगी। मैंने उनसे जांच में सहयोग करने का आग्रह भी किया था। कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या हुई है, इसकी जांच में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। उनकी सरकार खुद कनाडा एजेंसियों के साथ काम कर रही है, सरकार और एजेंसियों के बीच समन्वय है। वहीं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए आरोप के बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज हम कार्रवाई के रूप में भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी तह तक जाएंगे। अगर ये सब सच साबित होता है तो ये हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। वहीं कनाडा के इस आरोप को भारत सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेबुनियाद हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।